हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, निताय हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल, हरि श्री हरि नाम कीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे, नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सार्थम अर्जुन सदौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः अज्ञान निराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चै तत्त्वं परं दुर्गमम् अपि अजर्षन् षड्गुण्य व्रत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम् निखिल श्रुति मौली रत्न माला द्युति निराजिता पाद पंक जानता अयि मुक्त कुलेर उपास्य मानाम परित्रास्त्वम हरिनाम संशयामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वा नर्युत मुखम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तब सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवत गीता के लेक्चर के अंदर। तो हम जो है श्लोक क्रमांक 2.50, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जिन भक्तों को श्लोक रिसाइट करना हो वो अपना अनम्यूट करके श्लोक रिसाइट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं श्लोक डिस्प्ले कर रहा हूँ आप लोगों को, तो उसको आप रिसाइट कर सकते हैं। यस। बुद्धि युक्तो जहात जहाति ह बुद्धि तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तः जहाति इह उभे दुष्कृतौ दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् आप में से कोई पढ़ना चाहते जो शेष शब्द आपने आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे शब्दार्थ अनुवाद बता। हरे कृष्णा प्रभु जी। बुद्धि युक्त बुद्धि में लगा रहने वाला जहाति मुक्त हो सकता है यही इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल तस्मात् अतः योग भक्ति के लिए युजस्व इस तरह लग जाओ योग कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला भक्ति में संगलन मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कुशल यही है। तात्पर्य जीवन अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फल को संचित करता रहा है फलत वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म प्रभु जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का संदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने के लिए कहा गया है क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही
प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। तो एक मिनट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। अब मैं सारे श्लोक के लिए ऐसा बोलता हूँ तो आपको लगता है कि ये प्रभु जी सारे श्लोकों के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्ण। तो मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ एक बार के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट पे बता दीजिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस श्लोक के थ्रू पता लगता है कि कर्म फल कितने जो है, कर्म बंधन कितना खतरनाक है और उसे कैसे निकल सकते हैं। चूंकि हम चर्चा करते हुए आए हैं तो इस पे भी चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत की विधि के द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधन से व्यक्ति छूट सकता है, है ना। और मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है कि किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में ना फंसे। ठीक है, तो इस श्लोक की पहली लाइन क्या है? बुद्धि युक्तो जहाति हा उभय सुकृत दुष्कृत। तो पॉइंट ये है, इसका मतलब है कि बुद्धि से युक्त व्यक्ति जो होता है, बुद्धि युक्त, वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है। तो आप लोगों का प्रश्न उठता होगा कि प्रभु जी ठीक है, शुभ प्रकार का कर्म तो ठीक है, अशुभ, अशुभ चलो अशुभ को त्यागना चाहिए, लेकिन शुभ कर्म को क्यों त्यागना चाहिए, शुभ कर्म से क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर यह है कि, है ना, शुभ अशुभ जो होता है, शुभ कर्म तो अच्छा है, उसको त्यागने की आवश्यकता क्या है? तो इसका उत्तर यह है वास्तव में कि शुभ कर्म ही अशुभ, शुभ कर्म भी अशुभ है क्योंकि वह भी जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाला है। शुभ, अगर शुभ कर्म को सोने के बंधन के साथ कंपेयर किया जाए, जैसे किसी को सोने की जंजीर से बांध दिया जाए, तो अशुभ कर्मों को कंपेयर किया जाएगा लोहे की जंजीर से। अल्टीमेटली तो व्यक्ति जंजीर से बंधा हुआ है, चाहे सोने की जंजीर से बंधा हुआ हो या लोहे की जंजीर से बंधा हुआ हो, है ना। क्योंकि व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा तो भी संसार के अंदर उसको एक अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन अब इस संसार में आएगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो चाहे अच्छा कार्य करे चाहे बुरा कार्य करे, दोनों के कारण उसको शरीर लेना पड़ेगा, और शरीर लेगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसता रहेगा, और यही सबसे बड़ी समस्या है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाना संभव नहीं है, चाहे शुभ करो चाहे शुभ करो। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर इह शब्द यूज हुआ है, बुद्धि युक्तो जहां तीहा इहा। इह शब्द के दो मतलब है। इह शब्द का एक मतलब है इस संसार में, और दूसरा इह शब्द का मतलब है इस जीवन में। तो हम पहले दूसरे शब्द पे पहले चर्चा करेंगे, इस जीवन में। अगर इह शब्द का मतलब इस जीवन में लिया जाए, जो प्रभुपाद जी ने भी, अगर आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने भी लिखा है इस जीवन में इह शब्द, तो यह इस जीवन में मतलब क्या है कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह क्या करता है, वह अपने इसी जीवन में क्या करता है, इसी जीवन में मतलब इन दिस लाइफ टाइम ओनली, वह व्यक्ति क्या करता है, अनेक जन्मों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। यदि व्यक्ति इस जीवन के अंदर कृष्ण भावना भावित हो जाए, है ना, तो वो क्या है, इसी जीवन में अपने अनेक जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। ये एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हमारे को शरीर लेना पड़ता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमने ना जाने कितने जन्म लिए हैं और हर जन्म में हमने कितने प्रकार के कर्म किए हैं, तो उसके कारण हमको जब तक कर्मों का फल पूरा भुगतेंगे नहीं तब तक ये शरीर लेना पड़ता है। तो ये एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। अब जो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा ना, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा, और डाउट है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये जो तीन प्रकार के कर्म माने जाते हैं, एक होता है संचित कर्म, एक क्रियमाण और एक प्रारब्ध। फिर से बता रहा हूँ, एक होता है संचित, एक होता है क्रियमाण, क्रियमान, और एक होता है प्रारब्ध। तो संचित कर्म का मतलब क्या है, संचित कर्म का मतलब है वह कर्म जिन्हें हमने अनेक जन्मों में किए हैं,
तथा हमारे नाम पर ये भंडार प्रकृति के कंप्यूटर में सुरक्षित रखा गया है। तो मतलब ये स्टोर हाउस है हमारे कर्मों का, संचित कर्म मतलब स्टोर किया हुआ, जो अनेक अनेक जन्मों से हमने कर्म किए हैं वो स्टोर करके रखे हुए हैं, है ना। जैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं वैसे ही प्रकृति का भी कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर है ना, बहुत सारा डेटा स्टोर है। ये एक पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसको बोलते हैं संचित कर्म। दूसरा जो है वो है क्या, दूसरा है क्रियमान। क्रियमान का मतलब क्या है, क्रियमान का मतलब है जो मैं अभी भोग रहा हूँ। क्रियमान मतलब सॉरी संचित का मतलब जो स्टोर में है हमारे, क्रियमान का मतलब है जो कर्म मैं अभी कर रहा हूँ। तो जो कर्म मैं अभी कर रहा हूँ वो उसका रिजल्ट आगे मिलेगा, तो वो ये जो क्रियमान कर्म होते हैं ये भी संचित में स्टोर हो जाते हैं धीरे धीरे। ये क्रियमान कर्म जो होते हैं ये जो है ये भी क्या करते हैं, संचित कर्मों में स्टोर हो जाते हैं, संचित कर्मों में, संचित जो है कर्म फल इसमें स्टोर हो जाते हैं। और तीसरा जो है प्रारब्ध, तीसरा है प्रारब्ध, है ना। प्रारब्ध का मतलब क्या है, प्रारब्ध का मतलब है कि ऐसे कुछ संचित कर्मों से ही कुछ ऐसे कर्म निकाले जाते हैं जिनका रिजल्ट भोगना निश्चित हो गया है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। देखिए संचित कर्म का मतलब होता है जो स्टोर हाउस है हमारे कर्मों का, भंडार है कई जन्मों से किया हुआ। क्रियमान का मतलब है जो कर्म हम अभी कर रहे हैं और वो धीरे धीरे संचित में स्टोर हो जाएगा, जो करंटली अभी कर रहे हैं। और प्रारब्ध का मतलब है ऐसे कर्म जो कुछ संचित कर्मों से जिन कर्मों को निकाला गया है और उसका रिजल्ट हमको निश्चित रूप से भोगना है, ये डिसाइड हो चुका है। तो कोई अगर इस जीवन में कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करता है, पूरी प्रकार से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो क्या होगा कि उसके संचित कर्म मतलब जो स्टोर हाउस है और क्रियमान कर्म जो है जो अभी कर रहा है जो बाद में इसमें ऐड हो जाएगा, वो जो है वो क्या होता है, वो नष्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध जो होता है, प्रारब्ध जो निश्चित कर दिया गया कि भोगना है, वो प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर वो प्रारब्ध भोगने के लिए एक या दो या तीन जन्म के बाद व्यक्ति हो सकता है, कुछ जन्म के लिए व्यक्ति को संसार में रहना पड़े, लेकिन उसके बाद सीधे आध्यात्मिक जगत जाता है। आप समझ गए। तो ये कितना बड़ा लाभ है कि कृष्ण भावना अमृत भक्ति का अभ्यास करने से क्या होता है, संचित कर्मों का भंडार। सोचिए कितने जन्मों से हमने कितने कितने कर्म किए, कितने शरीर लिए हैं, कभी कुत्ता बने हैं, कभी गधा बने हैं, कभी सुअर बने हैं, कभी पक्षी बने हैं, कितने कर्म किए हैं, सब स्टोर हो रखा है ना। मनुष्य भी जो है अनेक, मतलब हमने जो है अनेक योनियों में हम गए हैं, है ना, मनुष्य जन्म भी लिया कभी, ऐसे पूरा साइकिल चलता है, मतलब हम बता नहीं सकते, बहुत ये साइकिल चलता हुआ है। तो हमने जितने कर्म किए हैं वो सब इसमें स्टोर हैं, और ये जो है संचित कर्म और जो है ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, क्रियमान कर्म संचित कर्म, यदि हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति की तुलना सूर्य से की गई है और हमारे संचित कर्म के जो भंडार है उसकी तुलना कोहरे से की गई है। जिस प्रकार सूर्य निकलता है तो कोहरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या होता है, संचित कर्मों जो ये क्रियमान और जो संचित कर्म है ये गायब हो जाते हैं। तो कितना बड़ा लाभ है कि इसी जीवन में व्यक्ति जो है अगर कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो अपने अनेक जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो एक यह शब्द का मतलब है इस जीवन में, एक यह शब्द का मतलब है इस संसार में। तो इस संसार, तो भगवान अगर इस मतलब को देखा जाए कि इस संसार में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इस संसार में रहते हुए भी शुभ और अशुभ कर्मों, शुभ तथा अशुभ कर्म करता है, भले ही वो शुभ अशुभ कर्म करता है ना, जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है वो इसी संसार में छोड़ देता है, मृत्यु जब उसकी जो शरीर, जब वो शरीर छोड़ता है, और उन अशुभ अशुभ कर्मों को वह अपने साथ नहीं लेके जाता जब वह शरीर छोड़ता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक जगत में स्थान प्राप्त करता है। तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जब हमने पुराना मतलब लिया था इहा का जो कि था इस जीवन में, तब हम संचित कर्मों की बात कर रहे थे, तब हम उन कर्मों की बात कर रहे थे जो व्यक्ति भक्ति में आने से पहले कर चुका होता है, चाहे अच्छे करे चाहे बुरे करे।
लेकिन जब हम इस जब दूसरा मतलब ले रहे हैं इह का दूसरा मतलब क्या है इस संसार में, तो हम जो है अभी क्रियमान कर्मों की बात कर रहे हैं जो करंटली अभी कर रहे हैं। तो व्यक्ति यदि ये शुभ अशुभ कर्म इस संसार में नहीं छूटे, क्रियमान जो कर्म हम कर रहे हैं प्रेजेंटली यदि इस संसार में नहीं छूटे तो क्या होगा, ये कर्म हमारे साथ रहेंगे और शुभ अशुभ कर्मों से हमको बंधना पड़ेगा। सामान्यतः लोग ये जानते नहीं है, लोग सोचते कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं जाता, मृत्यु होने के बाद व्यक्ति चला जाता है कुछ नहीं होता, नहीं, मृत्यु के बाद उसके कर्म उसके साथ में जाते हैं, है ना, ये सिद्धांत है और उसका फल भोगना पड़ता है ना। गीता में भी 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है कि तीन प्रकार के कर्म फल इष्ट अनिष्ट तथा मिश्रित ये व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात प्राप्त होते हैं, और जिसने अपने कर्मों का त्याग नहीं किया है। तो जो भक्ति कर चुका होता है और कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो तो अपने अच्छे और बुरे कर्मों को जो है यही छोड़ देता है इस संसार में, उसको भोगना नहीं पड़ता। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करता है उसके शुभ अशुभ कर्म वो छोड़ नहीं पाता है और वो उसके साथ में जाते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करता, अगर वो भक्ति करे तो फिर वो उसको भी फायदा मिलता है कि वो शुभ अशुभ कर्मों को इसी संसार में छोड़ सकता है ना। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि यदि व्यक्ति कृष्ण भक्ति को नहीं पकड़ता है तो उसके शुभ अशुभ कर्म उसको पकड़े रहते हैं और वह उन कर्मों से छूट नहीं सकता। और यदि व्यक्ति कृष्ण भक्ति को पकड़ लेता है तो बिना किसी प्रयास के शुभ अशुभ कर्म छूट जाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तस्मात योगाय युज्यस्व, मतलब बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करो, भक्ति के लिए प्रयत्न करो, है ना। भगवान कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम कितना भी प्रयास करें लेकिन हम अपने कर्म बंधन से कभी छूट नहीं सकते, तो फिर इस दिशा में प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो चीज हम कर ही नहीं सकते उस दिशा में प्रयत्न ना करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मों से लड़ो मत, कर्म बंधनों से छूटने का प्रयास जो है आप जो है अपने दम पे नहीं आप कर्म बंधनों से छूट सकते, उसके लिए ये प्रयास ठीक नहीं है अपने बल पे कार्य करना, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान बोल रहे हैं कि गीता की शिक्षाओं का पालन करें, है ना। सामान्य व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति है अगर वो बंधन से बंधा हुआ है और यदि वो अपने बंधन से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता है जैसे रस्सी से या किसी से बंधा हुआ है तो और उलझ जाता है। तो जितना प्रयास करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे और अपने बल पे दूसरे माध्यम से इससे छूटने का प्रयास करेंगे तो उतना उलझते जाएंगे। पर यदि भक्ति करना शुरू कर दिया तो बिना किसी प्रयास के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। इसका जो है यदि कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम यदि किसी अन्य वस्तु को पकड़ें तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे, है ना। पॉइंट यही है कि ये रहस्य जो है भगवान कृष्ण बता रहे हैं गीता में, अगर जितना हम कर्म बंधनों से छूटने का प्रयास करेंगे भक्ति ना करके उतना इसमें उलझते जाएंगे, और जितना भक्ति करेंगे उतना ऑटोमेटिकली बिना प्रयास के कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये जो रहस्य है ये भगवान कृष्ण को पता है और भगवान कृष्ण से जो गुरु परंपरा आ रही है उनको पता है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पर लेक्चर दिया था 1966 में 5 अप्रैल को, बताया था कि इसलिए जो है एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। एक मार्गदर्शक जो होता है, एक कृष्ण का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, आध्यात्मिक गुरु होते हैं या जो भक्त होते हैं उनको पता होता है कि कैसे इस कर्म बंधन से छूटा जाए, उनको ये कला पता होता है। इसलिए जो है हमको भक्ति में हर समय मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमको श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आवश्यकता है। भले ही हमारे सामने श्री कृष्ण नहीं है लेकिन श्री कृष्ण के जो प्रतिनिधि है, जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हैं भगवद गीता की, उनको हम उनके आदेश का पालन करें तो क्या होगा, हम इससे ऊपर उठ जाएंगे, कर्म बंधन से चक्कर से छूट जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वकील होता है तो वकील क्या करता है, वकील जो होता है वो कानून की शिक्षाओं का पालन करता है ना। तो वकील से हम सीख सकते हैं, जो भक्त होता है वो भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करता है ना। तो जिस प्रकार जो है वकील के पास व्यक्ति जाता है ना, तो वो वकील जो होता है उसको सारे नियम पता होते हैं, धारा ये धारा के तहत ये है, और फिर हम उसके पास जाते हैं फिर हमारा केस लड़ता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु जो है या भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो भगवद गीता की शिक्षाओं को अच्छे से जानते हैं और इस प्रकार से वो हमारी मदद करते हैं, है ना। जैसे वकील एक व्यक्ति की मदद करता है केस जीतने में, इसलिए जो है आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो श्री कृष्ण की पूर्णतया शरण ले चुका हो, जो श्री कृष्ण विज्ञान में दक्ष हो और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करता हो।
वैसे जैसे एग्जाम्पल है शिला प्रभुपाद, तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे शुद्ध भक्त हैं, इसलिए शिला प्रभुपाद जी हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन में शिला प्रभुपाद जी हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं, और शिला प्रभुपाद जी भले ही फिजिकली भी नहीं है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाएं उनकी पुस्तकों में है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोलते थे मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा रहूंगा, और यदि आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकें छापते रहो, उनको बांटते रहो, और पढ़ना भी जरूरी, उनको पढ़ते भी रहो, है ना। तो इस प्रकार से तो फिर यहाँ पर जो है योग है ना, तस्मात योगा ये युज्यस्व योग शब्द आया। योग का मतलब क्या है, श्री कृष्ण को प्राप्त करना, और युज्यस्व का मतलब है प्रयास करना। तो योगा युज्यस्व का मतलब क्या हुआ कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो पॉइंट उठता है कि क्या श्री कृष्ण को हम अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चाहे तो, क्योंकि बताया था ना भगवान हमारे अधोक्षज है, भगवान हमारे प्रयास से तो बहुत ही दूर है, क्या हम भगवान को प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये ठीक है कि हम अपने प्रयास से श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, सत्य है, लेकिन श्री कृष्ण चाहे तो वह हमें प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम प्रयास करते हैं तो फिर कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित है कि हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण देखना चाहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का कितना प्रयास कर रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करता है तो पिता उसे गोद में चढ़ा लेता है ना, पिता खुद चढ़ाता है, अन्यथा उस बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण देखना चाहते हैं कि हम उनको प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, और फिर जब हमारे प्रयास से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर श्री कृष्ण हमारी सहायता करते हैं उनको प्राप्त करने में। जैसे आपने दामोदर लीला का सुना था, अभी आने वाला है कार्तिक का महीना, दामोदर लीला में यही तो होता है, यशोदा माई जो है भगवान को बांधने का प्रयास करती है, लेकिन हर बार दो उंगुली रह जाती है। तो दो उंगुली क्या है, एक हमारा प्रयास और एक भगवान की कृपा। तो हमको प्रयास भी करना है, प्रयास क्यों करना है, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए। तो प्रयास करते हैं तो यशोदा माई के प्रयास से भगवान खुश होते हैं, और फिर उन अपने आप को पकड़ाए जाते हैं उनके द्वारा। तो ये है, तो योग का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण को प्राप्त करना, और युज्यस्व का मतलब क्या है, प्रयास करना। तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, प्रयास करना, इसलिए बोला जाता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रयास करने से कृष्ण की कृपा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रयास नहीं करेंगे तो कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। फिर आगे बताया योग कर्मशु कौशलम, योग कर्मशु कौशलम। तो बताया गया है प्रभुपाद जी ने श्लोक पे जब लेक्चर दिया था 5 अप्रैल 1966 में, तो कौशलम का अर्थ बताते हैं। कौशलम के वैसे दो अर्थ जो है मुख्य रूप से हैं, एक होता है कौशलम का मतलब होता है निपुणता, दक्षता। तो कौशलम का अर्थ क्या, निपुणता। तो जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है अत्यंत निपुण है, दो मैकेनिक है, एक व्यक्ति बिल्कुल अत्यंत निपुण मैकेनिक है, एक दूसरा नया मैकेनिक है। तो जो एक्सपर्ट मैकेनिक होता है ना, वो डायरेक्ट पता लगा लेगा कि व्हीकल में कहाँ खराबी है, और उसी जगह जो है कुछ वायर चेंज करेगा और उसको ठीक कर देगा। पर जो एक्सपर्ट नहीं है उसको बहुत समय लग जाएगा और वो ठीक भी नहीं कर पाएगा। तो पॉइंट ये है कि हर प्रकार, इस प्रकार प्रत्येक कार्य में निपुण जानकारी की आवश्यकता है। तो हमको निपुण बनना पड़ेगा, भगवान बोल रहे निपुण बनो, कौन सा कार्य करना है कौन सा कार्य नहीं करना है, क्योंकि कार्य तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए तो हम जो है शरीर और आत्मा को साथ में नहीं रख सकते, है ना, कर्म तो करना होगा। तो जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो हो सकता है कि 8 घंटे काम करे, जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं वो बहुत हार्डवर्क करते हैं, है ना, और थक जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जो लोग होते हैं, आध्यात्मिक जो जो है स्पिरिचुअल लाइफ में जो होते हैं, वो थकते नहीं कभी, क्योंकि वो आध्यात्मिक लेवल पे कार्य करते हैं, उनको पता है कि कार्य किसके लिए करना है, क्यों करना है। तो आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति यदि काम करता है तो थकता नहीं है। और इसका उदाहरण है शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी कितना जो है 24 घंटे बिजी रहते थे, है ना। तो आप देखते हैं कभी कुछ ना कुछ प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते थे, जप करते थे, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं हमेशा कार्य करता रहता हूँ, है ना, या तो कुछ पढ़ता हूँ या कुछ लिखता हूँ, और जब मुझे नींद आती तभी सोता हूँ, जब भूख लगती है तभी खाता हूँ। तो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है इतना एब्जॉर्ब होता है अपने कार्यों में, उसको तो पता होता है कि किस कार्य का कितना इम्पोर्टेंस है,
तो वो अपना समय व्यर्थ नहीं करता, वो लगा रहता है ना। थकान का अनुभव होता ही नहीं है प्रभुपाद जी, क्योंकि जब थकान कब होता है, जब हम को कोई कार्य बर्डन लगता है, पर जब किसी कार्य में इंटरेस्ट आता है तो थकान नहीं होता है ना। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जो अध्यात्मवादी लोग होते हैं वो अभ्यास करते हैं आध्यात्मिक कार्यों का, और इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं आध्यात्मिक कार्य में, थकते नहीं है 24 घंटे तक है ना। 24 घंटे तक, जैसे 6 गोस्वामी थे वो केवल 1.5 घंटा ही सोते थे, कभी कभी तो ये भी नहीं सोते थे है ना। तो आध्यात्मिक जीवन अत्यंत दिव्य है और इतना पुष्टिदायक है कि हमको थकान के अनुभव नहीं होती, बस करते रहो करते रहो। थकान का अनुभव अभी क्यों होता है, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्तर पे हैं नहीं, हम शारीरिक चेतना में रहते हैं, इसलिए थक जाते हैं। थोड़ा चैंटिंग करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ते हैं फिर थक जाते हैं। तो जितना हम आध्यात्मिक स्तर में आएंगे उतना थकेंगे नहीं, एक स्तर ऐसा आ जाएगा कि हमको नींद से भी नफरत हो जाएगी, जैसे कि 6 गोस्वामी थे, ये कभी कभी सोते भी नहीं थे। तो इस प्रकार से निपुण बनना चाहिए कृष्ण भावनामृत में, करते रहो एक्सपर्ट बनना चाहिए। दूसरा, कुशलता का मतलब है सुरक्षा। तो मनुष्य जीवन में कर्म बंधन बहुत बड़ा संकट है, जैसे कि मैंने बताया भगवद गीता के 3rd अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि भगवान विष्णु के लिए कोई कर्म किया जाता है तो वो ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अलावा कोई भी कर्म किया जाता है तो वह बंधन का कारण बनता है। बंधन मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जितने भी शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं, करोड़ों वर्ष तक शुभ कर्मों को भोगने के लिए व्यक्ति को या तो स्वर्ग में निवास करना पड़ता है, और अशुभ कर्मों को भोगने के लिए व्यक्ति को जो है नीचे की योनियों में जाना पड़ता है ना। इस प्रकार शुभ अशुभ कर्मों का अधिकांश भोग हो जाता है, फिर उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और फिर मनुष्य शरीर में आके अगर वो भक्ति करेगा तब तो भगवत धाम चला जाएगा, भक्ति नहीं करेगा तो फिर से नीचे की योनि में जाएगा, बुरे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो ऊपर की योनि में जाएगा। तो ये बार बार चक्कर लगा रहता है ना। तो इसलिए कर्म बंधन में फंसना बिल्कुल खतरनाक है। इसलिए जो है, अगर योगा कर्मशु कौशलम, अगर कोई बुद्धिमानी से कृष्ण की भक्ति करता है, सेवा करता है, कोई अगर एक्सपर्ट व्यक्ति है तो वह जो है कुशलता से कर्म करेगा तो सुरक्षित रहेगा, पर अगर कोई कुशलता से कर्म नहीं करेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, कर्म बंधन में फंस जाएगा। इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे मरकरी होता है पारा, पारा जो होता है बहुत जहरीला होता है, लेकिन जो एक्स डॉक्टर होते हैं वो पारे की जो औषधि बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, तो वो भरे ही जहर है, लेकिन जैसे आप देख लीजिए होम्योपैथी, होम्योपैथी में अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो है उसी को बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है तो वो दवाई की तरह काम करता है, ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो नशे का काम करता है। तो चिकित्सक को पता होता है कितना लेना है। उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह कर्म बंधन जो है उसके अंदर कृष्ण भावना अमृत मिक्स कर देता है। कर्म बंधन के अंदर मतलब भक्ति को कर्म कर्म जो है उसमें कर्म बंधन में कृष्ण भावना अमृत डाल देता है। कर्म में कृष्ण भावना अमृत की मिलावट करने से क्या होता है कि वो जो उसका जो विषैला प्रभाव होता है कर्म बंधन का, वो कम हो जाता है ना। तो यही है, इसलिए जो है यहाँ पर कुशलता का दूसरा अर्थ बताया गया सुरक्षा। तो इस भौतिक संसार को एक भयानक समुद्र बताया गया है, जिसमें तृष्णा रूपी जल भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, काम वासना रूपी वायु के द्वारा भयानक तरंगे उठती हैं इस संसार में, इस भौतिक संसार में। और इसमें बताया गया है कि जो है बताया गया है, ये मैं जो बता रहा हूँ ये भागवत से है, ये मेरा वाणी नहीं है, कि इसमें पत्नी रूपी भंवर है, भाई तथा पुत्र रूपी बड़े बड़े ग्राह हैं, इस संसार रूपी महासमुद्र में कष्ट पाते हुए जीव को कैसे सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। जब तक हम इस जगत में आएंगे हमको कष्ट तो होगा, कष्ट तो होगा, शरीर लेना पड़ेगा, शरीर से संबंधित जो है कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा, कृष्ण भावनामृत जो है, इसलिए जो है कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा है ना। तो कोई कितना भी कुशल तैराक हो, इस भौतिक समुद्र रूपी जो है इसको पार नहीं कर सकता है ना। कोई घमंड में आके सोच सकता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट तैराक हूँ, इस भौतिक भयानक समुद्र को, इस भौतिक संसार के भयानक समुद्र को मैं पार कर लूंगा। नहीं, नहीं पार कर सकते अपने बल पे है ना। ऐसे बहुत से जो है मूर्ख लोग होते हैं जो बोलते हैं ये हरे कृष्णा वाले जो लोग हैं ये भगोड़े लोग हैं, ये कुछ कर नहीं पाए अपने आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए ये जो है इन्होंने मंदिर ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं है। ऐसे वो लोग जो वास्तव में भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं
वही लोग जो होते हैं वास्तव में जो होते हैं बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, वो वास्तव में क्या है, वो कायर लोग होते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है हम अपने बल से इस भौतिक संसार को क्रॉस नहीं कर सकते, हमको एक नौका चाहिए, मनुष्य रूपी नौका जो हमारे पास है, गुरु रूपी मार्गदर्शक एक्सपर्ट कैप्टन चाहिए, और शास्त्र रूपी वायु जो है, हमको सब कुछ मिला हुआ है। इतना सब प्राप्त होने के बाद भी अगर हम इसका उपयोग ना करें इस संसार से निकलने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलता जाता है कि उसने आत्महा सुसाइड कर लिया उसने। तो हमारे पास मनुष्य शरीर भी है, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, शास्त्र रूपी वायु भी चल रही है, सब कुछ है हमारे पास, अब उसका यूज करना है, इस संसार से निकलना है। पर अगर यूज नहीं किया तो इसको सुसाइड बोलेंगे। इसलिए जो है हमको बहुत सावधानी से कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावना अमृत में भक्त बनना चाहिए भगवान का। हरे कृष्णा। तो अभी जो है चर्चा खत्म हो चुका है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, लोगों के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आप लोगों का? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। समझ में आया आप लोगों को? यस प्रभु आया, बट लेक्चर वाज टू टची टुडे प्रभु। टची मतलब? मतलब अच्छा, आज बहुत अच्छा, मतलब क्या वर्ड नहीं, आई डोंट हैव, बट आज लेक्चर तो बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर लेक्चर। लेक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक जीवन में नहीं अप्लाई करेंगे तो ये लेक्चर ही रह जाएगा। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे आध्यात्मिक ज्ञान बिना एप्लीकेशन के यूजलेस है। मैं भले ही अच्छा लेक्चर दे दूं, लेकिन अगर आप लोग अप्लाई ना करें या मैं खुद अप्लाई ना करूं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कृपा करके आप अप्लाई करना प्रयास कीजिए, अप्लाई करने का, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो कोई प्रश्न हो तो आप कुछ पूछ रहे थे तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने यहाँ पे प्रभुपाद जी का एक क्वोट बताया था कि मेरे को जब भूख लगती है मैं तभी खाता हूँ, और जब भूख लगती है तो तभी सोता हूँ। तो इसको थोड़ा और अच्छे से आप बताएंगे। जो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, हाँ, मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिर जब भी मैं इस टाइप का काम करने बैठता हूँ तभी भूख और नींद सताती है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एब्जॉर्ब होते हैं, आपको एक बहुत सुंदर चीज बताता हूँ, ये शायद नेपोलियन था या वो था हिटलर था, कोई एक व्यक्ति के बारे में शिला प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि वो इतना एब्जॉर्ब था, वो जो है कैसे जो है युद्ध जीतना है, इतना एब्जॉर्ब था, पता नहीं किसका नाम लिया है प्रभुपाद जी ने लेक्चर में, किसी व्यक्ति का नाम लिया है, कोई फॉरेनर था, तो उसका जो है ऑपरेशन किया गया था पेट चीर के, तो उसको बिना एनेस्थीसिया दिए उसका पेट चीर दिया गया, और उसको कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो था वो लगा हुआ था कि कैसे जो है मुझे अपना जो है इस राज्य को कॉन्क्वायर करना है। तो सारा खेल किसका है? एब्जॉर्प्शन का सारा खेल। यदि हम आध्यात्मिक क्रियाकालों में एब्जॉर्ब है ना, ये भोजन जो है और नींद है, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, ये हमको इसलिए सताती है क्योंकि हम शरीर मानते हैं अपने आप को, हमारा अभी जो है कंडीशनिंग है। जितना हम आध्यात्मिक क्रियाकलाप करेंगे उतना जो है हम इन चीज से ऊपर उठते जाएंगे। निद्राहार विहार का दिविजी, तो छह गोस्वामी थे, वो निद्राहार विहार से ऊपर उठ गए थे। तो जो आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत व्यक्ति है, शिला प्रभुपाद जी के पास इतना बड़ा लक्ष्य था, हमारे पास बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और जब लक्ष्य पे हमारा माइंड फोकस हो जाएगा तो फिर भूख और निद्रा है ना परेशान नहीं करती। आपने देखा होगा जब एग्जाम होता है, एग्जाम जब होता है बहुत, तो फिर भूख निद्रा परेशान करती है। नहीं, है ना, मुझे मुझे नींद ना आए, मुझे भूख ना लगे, है ना, ऐसा होता है नहीं। कितना भी भूख लगता है, भूख उल्टा जो है लगता है टाइम वेस्ट होता है खाने में, उल्टा लगता है सो नहीं, पूरी रात रात भर पढ़ लेते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि गर्दन पे तलवार रखी होती है, गर्दन पे तलवार रखी होती है, कभी भी गर्दन कट सकती है। तो वही चीज है, तो कोई पर ये तो क्या है, फोर्सफुल है। पर कोई अगर आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, उसका लक्ष्य है, मान लीजिए आप कोई बहुत ही ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत आनंद आता है, तो भूख और प्यास सताती है, नींद सताती है, तो ये जो है ये मन का प्रॉब्लम है, समझे?